जनपद में चुनाव में 4 विधानसभा के क्रिटिकल बूथों पर वेबकास्टिंग को लेकर कार्मिकों का प्रशिक्षण एनेक्सी भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि जनपद में 3 मार्च को मतदान किया जाएगा, जिसमें निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 2200 क्रिटिकल बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी, जिसको देखते हुए पंचायत सहायक ग्राम रोजगार सेवक की ड्यूटी लगाई गई है, जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसको निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसका पालन करते हुए गंभीरता पूर्वक संबंध करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर और सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, बिजली है, सारा चीज उनको बताने के बाद एक काम और करेंगे, वेबकास्टिंग चूंकि उनके दिशा निर्देश में होगा तो किसी के भी दबाव में या किसी पार्टी के दबाव में या किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में कैमरे को छेड़छाड़ नहीं करना है, ना ही जो आपको वाईफाई का मॉडम मिलेगा उसको भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर इस तरह की बात आपके ऊपर या कोई दबाव देता है तो आप तुरंत अपने पीठासीन अधिकारी को बताएंगे। उसके अलावा कंट्रोल रूम का भी नंबर आपको दिया जाएगा, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग की बात आती है या कैमरे को तोड़ने की बात आती है या ईवीएम तोड़ने की बात आती है या लोगों का दबाव है ईवीएम उठाने की, तो इस तरह की बात को आप तुरंत कंट्रोल रूम के नंबर पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। विद इन 10 मिनट के अंदर वहाँ पे पुलिस फोर्स पहुंच करके उसका निराकरण कराएगी। ये हुआ आपका फर्स्ट डे। सेकेंड डे, फर्स्ट डे में आपको एक और भी इस किट के दौरान आपको एक सामग्री और मिलेगी जो आपका परिचय पत्र होगा। परिचय पत्र आपका तैयार हो रहा है, जो भी संबंधित कंपनी वेबकास्टिंग के लिए नामित हुई है वो आई कार्ड बना रही है, 2 दिन में आई कार्ड मिल जाएगा आपको, वो भी 28 तारीख को आई कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। नाम मिस प्रिंटिंग के लिए बात इसीलिए हो रही थी कि अगर किसी का नाम मिस प्रिंट है तो वो आज लिख करके दे देगा कल, ताकि सुधार करके उनको आपका आई कार्ड बनवाया जा सके। अब तीसरे दिन में जब वीडियो का रिकॉर्डिंग शुरू होगा तो इसमें एक थोड़ा समय अंतर आपको बता दूं, पहले जितने भी विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए हैं मात्र 10% बूथों पर फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी का काम होता था। अब की बार इस विधानसभा में अंतर यह है कि 10% से बढ़ा करके राज्य निर्वाचन आयोग ने 50% से 60% बूथों का वेबकास्टिंग के जरिए सीधे लाइव प्रसारण चुनाव आयोग देखेगा और आम पब्लिक को दिखाएगा, ताकि निर्वाचन में और भी पारदर्शिता लोगों को दिखाई जा सके। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें 50 से 60% बूथों का हम लोग लाइव वेबकास्टिंग आपके जरिए कराएंगे। मित्रों, यह बहुत ही आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आप पहले इस ऐतिहासिक कदम में जो डिजिटल की तरफ इंडिया बढ़ रहा है उसका निर्वाचन आयोग प्रयोग करते हुए इसका प्रसारण करने जा रहा है। तो इस कार्यक्रम में सफलता के लिए आपकी एकाग्रता, आपकी जानकारी, आपका डिजिटल जानकारी बहुत ही मायने रखता है। अब जो वेबकास्टिंग होगी उस मॉडम में आपको मेमोरी कार्ड भी होगा, यहाँ तक कि उस पूरे बूथ का साउंड उसमें रिकॉर्ड होगा, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है सारी चीजें उसमें रिकॉर्डिंग भी होगी, उसके अलावा वो लाइव प्रसारण भी होगा। कंट्रोल रूम उसका एक बनाया गया है कलेक्ट्रेट में, जिसमें 9 विधानसभाओं के 9 LCD टीवी लगी हैं, उसके अलावा एक अन्य टीवी लगी है जो 9 विधानसभाओं का कंसंट्रेट करके वो जानकारी बताएगा, कौन सा कैमरा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, उसका IP एड्रेस जिस बूथ पे दिया गया है उस बूथ पे लगा है कि नहीं लगा है, कौन सा कैमरा बंद है, कौन सा कैमरा चालू है, ये सारी जानकारी कंट्रोल रूम में हो जाएगी। और कंट्रोल रूम में आप सभी का नंबर फीड है, वहां से आपके पास फोन भी जाएगा कि आपका कैमरा बंद चल रहा, तो आप जो भी रीजन होगा लाइट कटी है या
कैबिनेट के साथ छेड़खानी हुई है या जो भी हो, आप इस दिन आप उनको कंट्रोल रूम के नंबर पे अवश्य बता देंगे। तो हर चीज की मॉनिटरिंग है। इसके अलावा भी जो गोरखपुर में 9 विधानसभाओं में चुनाव होगा, इसका रिपोर्टिंग भी राज्य निर्वाचन आयोग भी करेगा। वो भी देखेगा कि कितने यूजर्स को हमने वेबकास्टिंग के लिए कैमरे दिए हैं, उसमें से कितने काम कर रहे हैं, कितने नहीं काम कर रहे हैं। तो हमको ये प्रयास करना है कि 100% बूथों पर 100% रिकॉर्डिंग ससमय स्टार्ट हो जाए। अंत में जब हमारा मतदान बंद होगा, ऐसे बंद करके और फिर यहाँ पे वापस करना है। देखते हैं, पहले ये है आपका वेब स्ट्रीमिंग का कैमरा, ये 3 megapixel का कैमरा है। इसके ऊपर SD कार्ड का स्लॉट है जहाँ पे SD कार्ड इंसर्ट किया होगा। पीछे USB कनेक्टर है जिससे आप इस कैमरा को पावर देंगे। ये इस कैमरा का माउंटिंग बेस है जिसके ऊपर कैमरा माउंट होगा कुछ इस तरह से। ये 3 meter का केबल है जो कैमरा से आप पावर प्लग पे कनेक्ट करेंगे। इसका लेंथ को आप एडजस्ट कर सकते हैं ताकि जो भी आपका नियरेस्ट पावर प्लग हो उस पर आप इसको कनेक्ट कर सकें। ये 2 port का USB अडाप्टर है कैमरा का पावर कनेक्ट करने के लिए और डोंगल के पावर को कनेक्ट करने के लिए। ये कैमरा का माउंटिंग प्लेट है जो दीवार में हम स्क्रू मार के फिक्स करके इसको लटकाएंगे जिसके अंदर कैमरा बैठेगा। इस किट के साथ आपको 2 nails दिए जा रहे हैं, आपको एक ही नेल यूज करना है। एक बैकअप इन केस अगर एक नेल कुछ खराब हो जाता है तो आप और एक नेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस टाइप का एक 4G डोंगल मिलेगा आपको जियो का या एयरटेल का या कोई भी, जिससे आप इंटरनेट के थ्रू इस कैमरा को लाइव स्ट्रीम करेंगे। हम कैमरा का जो मेन कनेक्टर है इस पे कनेक्ट करेंगे और एक साइड से जो डोंगल का कनेक्टर है वो इस पे हम कनेक्ट करेंगे। ये दोनों के लिए एक ही अडाप्टर काफी होगा। इसे हम एक पावर सॉकेट में इंसर्ट, एक तरफ हम इस डोंगल को पावर करेंगे एक से। और हमें ये बहुत जरूरी याद रखना है कि पहले पावर ऑन करना है। मैं दोबारा बोलता हूँ, हमें पहले डोंगल को पावर ऑन करना है, उसके बाद कैमरा को पावर ऑन करना है। तो डोंगल में ये पावर बटन है, इस पावर बटन को अगर हम प्रेस करेंगे, इस डोंगल को हमने पावर, तो ये लाइट स्टेबल हो गई है। इसका मतलब ये जो लाइट है हरी वाली, ये ब्लिंक नहीं कर रही है, जिसका मतलब है कि कैमरा ऑनलाइन हो गया है और सर्वर से कनेक्ट हो गया है। ये बहुत जरूरी है कि आप देखें कि जो, जैसा कि आपको पता है, इस बार निर्वाचन आयोग के अनुसार ये सुनिश्चित किया गया है कम से कम 50% जो मतदान केंद्र है, मध्य स्थल है, उस पर वेबकास्टिंग होगी। तो उसी के तहत इस बार गोरखपुर में 50% के बजाय 60% बूथों पे वेबकास्टिंग व्यवस्था की गई है। लगभग 2200 बूथों पर वेबकास्टिंग होंगे जिसके अंदर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कि लोगों को जो भी हमारे ऑब्जर्वर रहेंगे यहाँ पर गोरखपुर में और या फिर दिल्ली में या लखनऊ में, जो चुनाव आयोग की जो टीम है वो चुनाव को देख सकती है अपनी आँखों से, लाइव देख सकती है कि सही से हो रहा है कि निर्बाध रूप से, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी समस्या के चुनाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये वो टीम जो है वहाँ से देखेगी कि लोगों में ये प्रसारित करने के लिए, लोगों को बताने के लिए है कि चुनाव जो है निष्पक्ष वातावरण में, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के हो रही है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो टीम जो बनी है हर बूथ के लिए, हम लोगों ने ऑपरेटर्स लगाए हैं, तो मतदान कार्मिकों को लगाया गया, वेबकास्ट कार्मिकों को लगाया गया। उनका मुख्य जो कार्य होगा उनको ये बताना है, CCTV कैमरा इंस्टॉल करना है, उसका कैमरा इस तरह से होना चाहिए कि उसमें जो पोलिंग पर्सन है वो आ जाए, उसके अलावा जो एंट्रेंस है गेट का वो सामने उस कैमरे में नजर आए, उसके अलावा जो EVM है उल्टी दिशा, जिस तरह से लोग वोट नहीं करते उसकी उल्टी दिशा से EVM भी सामने आ जाए ताकि ये दिख जाए मतदान कहीं से भी, जो कंट्रोल रूम है कंट्रोल रूम से ये दिख जाए कि जो भी मतदान हो रहा है, जो भी वोटिंग हो रही है निष्पक्ष हो रही है, बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी दबाव के, कोई किसी का दबाव भी नहीं डाल रहा है। साथ ही इसमें आवाज़ की रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था, अगर कोई कुछ बात भी ऐसी कर रहा है तो वो भी सब कुछ रिकॉर्डिंग हो जाती है और लाइव रिकॉर्डिंग होती है, इसको कहीं भी आप, इसके लिए गोरखपुर में 9 TV जो है आपका जो कोविड कमांड कंट्रोल रूम है, जहाँ पर कि मतदान के लिए कंट्रोल रूम बना गया है, वहाँ पर इसका रिकॉर्डिंग लाइव टेलीकास्ट होगा। वहाँ से TV पे परीक्षक और ऑब्जर्वर्स और जो बाकी जो मतदान से रिलेटेड जो RO ARO हैं ये सभी देखेंगे, तो कहीं भी कोई गड़बड़ी पाएगी तुरंत इसका निस्तारण किया जाएगा। क्या जा रहा है जो कितने बूथों पर लगाया जाएगा? हाँ, 3 मार्च को जो गोरखपुर में विधानसभा इलेक्शन होने हैं और 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इसमें 2200
बूथों पे वेब कास्टिंग होनी है, इलेक्शन कमीशन का निर्देश है। इसके लिए जो हमारे पंचायत सहायक है, ग्राम रोजगार सेवक है, BMM है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। आज उनको ट्रेनिंग दी जा रही है वेब कास्टिंग और नेटवर्किंग को लेकर, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इलेक्शन कमीशन द्वारा सौंपा गया है, जिसको बहुत ही सीरियसनेस से हाथ कराया जाए।